खबर है शहडोल से। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के न्यायालय में एक सनकी युवक द्वारा उत्पात मचाते हुए गाली गलौज करने का एक मामला सामने आया है, जिस पर जैतपुर पुलिस ने उक्त युवक के खिलाफ मामला दर्ज के उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक के पिता ने बेटे को दांत लगाते हुए किसी काम के नहीं हो की बात कहने पर नाराज युवक न्यायालय पहुंचा, जहां उत्पात मचाते हुए मारपीट किया। शहडोल जिले के जैतपुर न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सनकी युवक न्यायालय में पहुंच न केवल न्यायालय परिसर में उत्पात मचाने लगा बल्कि गाली गलौज करते हुए न्यायालय के भ्रत से मारपीट करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद वकील व अन्य लोगों ने बीच बचाव किए। इस दौरान सनकी युवक न्यायालय में प्रवेश करने की कोशिश भी किया। जैतपुर निवासी प्रदीप कहार 30 वर्ष न्यायालय जैतपुर परिसर के भीतर घुस गया और उत्पात मचाने लगा। हो हल्ला सुनकर न्यायालय के कर्मचारी सूरज मानिकपुरी ने उसे हल्ला करने मना किया, लेकिन आरोपी प्रदीप सूरज पर ही टूट पड़ा और न्यायालय कर्मचारी सूरज मानिकपुरी के साथ जाति का गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। घटना देख काफी लोग एकत्रित हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची जैतपुर पुलिस ने उत्पात मचा रहे आरोपी प्रदीप कहार के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्यवाही में बाधा डालने, SAASTE की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की है। इंडिया 24x7 लाइव TV पर ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। फरियादी सूरज दास मानिकपुरी, पिता कीरत दास मानिकपुरी, यह है भ्रत। वहाँ पर न्यायालय में ये आके रिपोर्ट लिखाया है कि पहले तो ये बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति आया और आके शोरगुल कर रहा था, जिसे मना किया गया। मना करने पर वो नहीं मान रहा था, फिर वो जातिगत रूप से गाली गलौज भी किया उसके साथ और मारने को रोके तो वो फिर उसको पटक दिया और मारपीट किया। जातिगत रूप से गाली गलौज करते हुए उसको अपमानित किया, उसके साथ मारपीट किया। फिर न्यायालय में जो कर्मचारी थे, वकील वगैरह थे, उसको बीच बचाव किए। न्यायालय में ही सब कर रहा था, सब न्यायालय में ही कर रहा था, बल्कि वो माननीय न्यायालय के चैम्बर में जाने का प्रयास भी कर रहा था वो। इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे अभी पूर्व में तो कोई ऐसी वजह समझ में नहीं आ रही है, और ये थोड़ा सा पिताजी तेजी द्वारा इसको डांटा गया था, तो ये सीधे आए न्यायालय में और यहाँ शोरगोल करने लगा, साहसी कारण व्यवधान उत्पन्न किया। इसको क्या कार्रवाई हुई है? गिरफ्तारी हो गई? हाँ, इसकी गिरफ्तारी हो गई है, विभिन्न धाराओं के अंदर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है फरियादी की रिपोर्ट पर, क्योंकि फरियादी SAST का सदस्य था, इसलिए उसमें SAST के तहत भी धाराएं लगी हुई है।